हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और एकदम अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बच्चा फटाफट जो है अपना इस आज का लेक्चर जो स्टार्ट करते हैं। आज वाले लेक्चर के अंदर बच्चे हम लोग जो है झाग उपलोभन विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के बारे में पढ़ने वाले, और साथ ही साथ हम लोग बच्चे लीचिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। लीचिंग का जो प्रोसेस होता है, एक्चुअल कैसे होता है, इसके बारे में समझेंगे। उसके अंदर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में समझाने वाला हूं। तो बच्चे आप लोग जो है अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए, एकदम अच्छे से क्या हो जाए प्रॉपर तरीके से बैठ जाइए पेन पेपर कॉपी लेके। तो भैया आज का लेक्चर फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, मैं आपको जो ये लेक्चर जो स्टार्ट करने से पहले ये रिवाइज करा देता हूं कि हम लास्ट वाले लेक्चर के अंदर आखिर क्या पढ़े हुए, क्या ऐसा भौकाल उस लेक्चर के अंदर मचाए हुए जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो बच्चे, हमने फर्स्ट वाले लेक्चर के अंदर जो बहुत ही अच्छे तरीके से जो इसकी बेसिक कांसेप्ट जो थी इस चैप्टर का, वो हम लोग खत्म किए हुए थे। उसके बाद प्यारे बच्चे अपन ने खत्म किया हुआ था एस्को के सांद्रण की जो मेथड थे, ठीक है, उसके चार मेथड हुआ करते थे। उस चार मेथड में हमने दो मेथड ये लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, जिसका नाम था गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण और दूसरा जो नाम था बेटा चुंबकीय पृथक्करण। इस लेक्चर के अंदर बच्चे अपन जो है हमारे जो बाकी दो मेथड थे, ठीक है, बाकी जो दो मेथड है उन दो मेथड को अपन लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम होने वाला है प्यारे बच्चे, ठीक है, झाग उपलवन विधि, और चौथे का नाम होता है बेटा प्रक्षालन, ठीक है, जिसे अपन लीचिंग बोलते हैं। तो ये सारे प्रोसेस इस लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा बिना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओवर जो है खत्म होने वाला है। समझ आए सारे बच्चों? तो इस प्रकार से पूरे के पूरे हम लोग ओवर भी बच्चे आप लोग देख लीजिए फटाफट। जाए किसी बच्चों को अगर समझ नहीं आया होगा तो वो लास्ट वाला लेक्चर जाके वहां से अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, वहां से नोट्स भी बना सकते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है, समझ में आया। देखो भैया क्या क्या पढ़े थे हमने, सबसे पहले बच्चे क्या होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक है, गुरुत्वीय पृथक्करण के बारे में पढ़ा था। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि को ही क्या बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग बोला जाता है, ठीक है, जल के द्वारा धोने का प्रोसेस बोला जाता है, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद बेटा अपन ने जो है क्या चुंबकीय पृथक्करण मेथड पढ़ा हुआ था, ठीक है, इसके बाद इसके पूरे लिखने के तरीके के ऊपर भी बात की हुई थी कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं, कैसे एग्जाम्स के अंदर जब आए क्वेश्चन तो हम उसको कैसे भैया एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में भी बात किया हुआ था, ठीक है। आज पढ़ने वाले प्यारे बच्चे हम जो है हमारा जो तीसरा मेथड होने वाला है, ठीक है, तीसरा हमारा मेथड होने वाला है झाग उपलवन विधि, और चौथा बच्चा प्रक्षालन जिसे हम लीचिंग बोलते हैं, ये पूरा प्रोसेस आज समझने वाले हैं। तो ये बच्चे झाग उपलवन विधि जो है बती भयंकर भयानक तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्या बोला बच्चा मैंने, ये जो मेथड है पूरा जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है मैंने मैक्सिमम टाइम इसी से ही क्वेश्चंस आए हैं, झाग उपलवन विधि से ही मैक्सिमम टाइम बच्चे क्या है क्वेश्चंस आए हैं। तो आप लोग बच्चे अपने कॉपी के अंदर बहुत गजब तरीके से क्या करिएगा, एक नोट बनाइएगा कि भैया ये जो क्वेश्चन है ना इसको आप लोग स्टार बना के लिख दीजिए, स्टार बना के लिखिए, आपकी जैसी मर्जी जितनी मर्जी स्टार बनाइए लेकिन बनाइए, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बच्चों, समझ में आया, ठीक है, आपके बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में उतरोगे प्यारे बच्चे तो वहां पे भी ये जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा झाग उपलवन विधि, ठीक है, समझ में आया सारे बच्चों को। तो सबसे पहले इसके जो है हम लोग प्रिंसिपल के ऊपर बात कर लेते हैं, आखिर भाई ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आखिर इतना इंपॉर्टेंट तो इसके कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो उसके ऊपर मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनते रहना, सारे कंसेप्ट जो है एकदम बराबर प्रॉपर तरीके से नोट करना और समझते रहना प्यारे बच्चे, ठीक है। देखिए मैं अगर बात करूं तो ये जो झाग उपलवन विधि प्यारे बच्चे क्या है, डिफरेंस इनवर्टिबिलिटी के जो है क्या बच्चे सिद्धांत पर आधारित है। मतलब यहां पे हम जो ऐसे मेटल लेंगे, ऐसे ओर्स के बारे में बात करेंगे जिसका जो है जो क्या करेगा पानी में भीग जाए, ठीक है, भीग जाए या फिर नहीं भीगे, ठीक है, मतलब दोनों में, या फिर हम जो अगर बात करूं सिंपल सी बात है कि अगर मैं ओर की बात करूं, एस्क की बात करूं, तो एस्क के अंदर इंप्यूरिटी भी होगी, क्योंकि बच्चे एस्क के अंदर इंप्यूरिटी भी होती है, अशुद्धियां भी होती है, वो अशुद्धि जो है वाटर के साथ क्या हो जाएगा भीग जाएगा और नीचे बैठ जाता है। तो बच्चे वाटर के साथ जो है भीग जाएगा और नीचे बैठ जाएगा, उसमें जो ओर होगा उसमें जो मेटल होगा वो वाटर के साथ नहीं भीगेगा, ठीक है, वाटर के साथ नहीं भीगेगा, मतलब उसमें डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जो भीगने की जो शक्ति हो दोनों जो मेटल के बीच में वो क्या हो जाएगी बच्चे अलग अलग होगी, मतलब डिफरेंस इन वेटेबिलिटी मैं बोल सकता हूं, भीगने की अलग अलग तरीके अलग अलग, ठीक है, विधियों के ऊपर बात करेंगे। अब ये ऐसे कौन से ओर्स के ऊपर जो है एप्लीकेबल होते हैं सर वो तो बता दीजिए। तो देखो बच्चे ये जो है ना झाग उपलवन विधि जो है सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर्स के ऊपर ही एप्लीकेबल होते हैं। मैंने क्या बोला प्यारे बच्चे वापस से आप लोग कॉपी के अंदर नोट डाउन कीजिएगा, ये जो झाग उपलवन विधि जो है क्या है सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर्स के ऊपर क्या होता है एप्लीकेबल होता है। ये सल्फाइड ओर्स क्या क्या है सर, ये सल्फाइड ओर्स आखिर क्या करते हैं, मैंने आपको बच्चे सबसे पहले लेक्चर के अंदर बताया हुआ है कि सल्फाइड ओर्स कौन कौन से होते हैं जिसमें सल्फर जो है रहता है, वो हमारे सल्फाइड ओर्स है। नाम बता देता हूं बच्चे आप लोग प्रॉपर तरीके से लिखिएगा, देखो जो हम Cu2S कॉपर क्यूप्रस सल्फाइड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, Cu2S क्यूप्रस सल्फाइड, ठीक है, हमारा ZnS बेटा, ठीक है, ZnS ये हमारा ZnS, PbS, ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है हमारा जो है Fe, FeS2,
FeS2, ये हमारे क्या बच्चे सल्फाइड ओर्स है। इन्हीं सल्फाइड ओर्स के ऊपर क्या होता है बच्चे, ये झाग उपलवण विधि जो है एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब झाग उपलवण विधि के एक्चुअल प्रोसीजर के ऊपर आते हैं कि एक्चुअल ये कैसे काम करता है, कैसे दिखता है, ये पूरा बच्चा क्या है, इसका प्रोसीजर है, ये पूरा इसका फंडा है, सेटअप है। देखो ध्यान से जो है सारी चीजें मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, आप लोग सिर्फ सुनते जाइएगा। ठीक है, सुनते जाइएगा प्रॉपर तरीके से, जहां पे आपको लगे कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेरे को लगेगा तो मैं तो बताऊंगा यार बच्चे। ठीक है, मैं सब चीज यहां पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, तो आपके आपके जो है अंडरस्टैंडिंग के लेवल के हिसाब से बच्चे आप लोग जो उसको कॉपी के अंदर बहुत गजब तरीके से नोट कीजिएगा, समझ में आया सारे बच्चों को। अब देखो फटाफट, ठीक है, यहां पे अपन बात करेंगे, यहां पे सबसे पहले अपन जो है कंटेनर लेने वाले हैं। क्या बच्चा, एक कंटेनर लेने वाले, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, बस समझते जाना। देखो ठीक है, बचपन में आपने, ठीक है बचपन में भैया, बचपन में क्या अभी भी, ठीक है अब बचपन की बात ही नहीं कर रहे हैं अपन, अभी भी की बात करते हैं। जब बच्चे आप लोग जो है क्या कपड़े जाते धोते हो, ठीक है कपड़े जाते धोते, तो क्या करते हैं बाल्टी के अंदर एक क्या करते हैं अपन डिटर्जेंट डालते हैं, क्या डालते हैं डिटर्जेंट डालते हैं। ठीक है, उस डिटर्जेंट को क्या करते हैं हाथ से सेक करते हिलाते हैं, तब क्या होता है एक झाग बनता है। सारे बच्चे ने अपने कच्चे बच्चे धोए होंगे, ठीक है सारे ऐसे नालायक बच्चे भी होंगे, कोई कच्चा नहीं धो रहा होगा अपने। ठीक है, तो बच्चे क्या करना अपने जो है अपने कपड़े लेते रहना बाल्टी में डालना और उसको धोना। ठीक है, समझ में आया सारे बच्चों को। तो ठीक है भैया, क्या करना है अपन को, एक बाल्टी लेनी है, उस बाल्टी के अंदर क्या करना है हमको डिटर्जेंट डालना है, और डिटर्जेंट डालने के बाद उसको जब हिलाएंगे, ठीक है सेक करेंगे, तो वहां से बच्चा हमको बबल्स का फॉर्मेशन होता है। क्या बच्चा, बबल्स, जो बुलबुले होते हैं ना, बुलबुले, उसी बुलबुले की ही बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो वहां से बबल्स का फॉर्मेशन होता है, बबल्स जो है बनते हैं। ठीक है, सेम प्रोसीजर यहां पे बात करेंगे। ठीक है, वहां पे डिटर्जेंट डाला जाता था, बच्चे इसी प्रोसीजर को आप लोग सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा। अब देखो, जब मैं इसको जो हिलाता रहता हूं, मेरे को डिटर्जेंट के फॉर्म में क्या होता है बबल्स मिलते हैं, जब मैं उसको सेक करना बंद कर देता, हिलाना बंद कर देता हूं, तो वहां से क्या होता है बच्चा, वो बबल्स जो है नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, नीचे बैठ जाते हैं और वो फूट जाते हैं। ठीक है, नीचे बैठ जाते हैं और फूट जाते हैं, यही प्रोसीजर पूरा। ठीक है, अब बच्चे उसके अंदर हम कपड़ा ला डालते हैं, धोते हैं, साफ कर देते हैं अच्छे से। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, इस प्रोसीजर के सेम प्रोसीजर पूरा का पूरा। ठीक है, ओवरऑल बस इमेजिन करते जाना है आपको भैया। ठीक है, देखो क्या होता है कि यहां पे अपन जो है डालते हैं, ठीक है यहां पे अपन क्या डाल देंगे, ठीक है वाटर के डालेंगे, वाटर डालेंगे। अब यहां पे हम सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पे, तो अपन जो सल्फर ओर्स डालते हैं, तो यहां पे एक आपको जो दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार सर हम सिर्फ और सिर्फ सल्फर के ही ओर्स यहां पे यूज करेंगे, तो मैं बोलूंगा सर बिल्कुल बिल्कुल, अपन जो यहाँ पे सल्फर के ही ओर्स यूज कर रहे होंगे, बिल्कुल यहाँ पे कार्बोनेट्स के यूज नहीं करेंगे हम, जो है ऑक्साइड्स का यूज नहीं करेंगे, समझ में, सिर्फ सल्फर का ही यूज करेंगे। क्यों सल्फर का यूज करेंगे, इसके पीछे का रीजन क्या होता है? ठीक है, ये बच्चे ये जो आंसर इसका जो है वो बुक्स में नहीं लिखा होगा, समझ में आया मैंने क्या बोला, इसका जो आंसर है बच्चे वो जो बुक्स के अंदर नहीं लिखा होता, तो उसका आंसर प्रॉपर आंसर ये है कि भैया सल्फर जो होता है वो जो है साइज में बड़ा होता है बेटा। क्या होता है, साइज बड़ा होता है, लार्ज साइज का होता है, और उसका जो हाइड्रेशन जो होता है, हाइड्रेशन कैपेसिटी जो होती है बेटा, वो क्या होती है कम होती है, मतलब वो पानी में नहीं भीगता, पानी में नहीं भीगता। तो पानी में नहीं भीगता सर, तो आखिर वो किसमें भीग रहा होगा, समझ में आया, पानी में नहीं भीग रहा तो आखिर वो किसमें भीग रहा होगा। तो मैं बोलूंगा बच्चे इसका आंसर जो एकदम सिंपल सा, ऑयल में भीगेगा। किसमें भीगेगा बच्चा, ऑयल में भीगेगा। और हमको पता है, हमको पता है जब अपन पानी के ऊपर पानी में क्या डालते हैं, ऑयल डालते हैं, तो पानी क्या करता है तैरता है, डूबता नहीं है भाई, ठीक है डूबता नहीं है, वो क्या करता है तैरता है, ऐसे ऊपर में तैरता रहता है, जब तैरेगा। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर। तो भैया सिंपल समझो, सिंपल से समझो, मैंने यहां से क्या डाल दिया, मैंने यहां से डाला, यहां डाला पानी, क्या डाला बच्चा पानी। अब देखो यहां पे मैंने डाला H2O, मैं लिख दूं फटाफट, ठीक है ये देखो H2O डाला, H2O डाला। अब यहां पे जब हम जो कपड़ा धोते थे तो वहां पे क्या डालते बच्चा, अपन जो है डिटर्जेंट डालते थे। क्या यहां पे डिटर्जेंट डालूं बबल बनाने के लिए, नहीं बिल्कुल गलत। ठीक है, तो यहां पे अपन क्या डालेंगे, झाग बनाने के लिए बेटा, याद रखना अपन यहां पे जो है फ्रोथ बनाने के लिए, झाग बनाने के लिए फ्रोथ, ठीक है जिसे झाग को ही फ्रोथ बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया, झाग बनाने के लिए बच्चे अपन जो है ऑयल का यूज करते हैं, किसका, ऑयल का यूज करते हैं, समझ में आया सारे बच्चों को, किसका यूज करेंगे अपन, ऑयल का यूज करेंगे, कि कौन से ऑयल, वो भी पाइन ऑयल का, किसका बच्चा, पाइन ऑयल का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया सारे बच्चों को, ठीक है पाइन ऑयल का यहां पे यूज करेंगे, ठीक है पाइन ऑयल का यूज करेंगे, कॉपी के अंदर बराबर लिखो बच्चे इसको, ठीक है पाइन ऑयल का यूज करेंगे, या फिर हम लोग यूकलिप्टस ऑयल बोलेंगे बच्चे इसी को, ठीक है यूकलिप्टस, यूकलिप्टस, यूकलिप्टस ऑयल भी इसी को ही बोल रहे होंगे। कभी भी एग्जाम्स के अंदर जो है या फिर जो है बुक्स के अंदर ऐसा लिखा मिले कि पाइन ऑयल या फिर यूकलिप्टस ऑयल, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब देखो झाग तो बना, झाग बना, तो उस झाग को कंटिन्यूएशन बनने के लिए क्या होता है बेटा, अगर इसको मैं हिलाना बंद कर दूं, ठीक है हिलाना बंद कर दूं, तो ये प्रोसीजर में क्या होगा, यहाँ पे झाग नहीं बनेगा। ठीक है, तो उस हमको जो झाग जो है कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन में चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अपन को जो झाग बनेगा वो कंटिन्यूशन फॉर्मेशन में चाहिए ही चाहिए, तो उसको झाग को स्टेबलाइज करना ज्यादा जरूरी रहेगा। इस झाग को बेटा, झाग को स्टेबलाइज करना ज्यादा जरूरी रहेगा, तो मैं उसको बोलूंगा झाग को ही बोलते हैं फ्रोथ, क्या बोलते हैं बेटा फ्रोथ, तो मैं फ्रोथ स्टेबलाइजर, झाग नियंत्रक का यूज करूंगा।
ठीक है। अब झाग नियंत्रक के तौर पे मैं क्या यूज कर दूंगा सर, क्या ऐसा यहाँ पे जो है केमिकल यूज करूं जो जिससे ये झाग जो है कंटिन्यूसली बना रहे, ये टूटे ना, ठीक है। तो उसके लिए बच्चे अपन यहाँ पे यूज करते हैं, उसके लिए अपन यहाँ पे यूज करते हैं एनिलिन का। किसका बच्चा? एनिलिन का, ठीक है। आपने 11th के अंदर पढ़ा होगा एनिलिन क्या होता है, ठीक है। एनिलिन का यूज करेंगे या फिर हम लोग क्रिसॉल का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। एनिलिन का या फिर हम लोग क्रिसॉल का यूज कर रहे होते हैं। समझ में आया बच्चा? ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने क्या बोल दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ में आया, ठीक है। यहां पे बात करेंगे एनिलिन या फिर भैया क्रिसॉल का, ठीक है। अब अगर मैं जो तीसरी बात करूं, तीसरा जो मैं बात करूं बेटा, तो हम लोग जो है, ठीक है, हम लोग जो है फ्रोथ स्टेबलाइजर का एनिलिन क्रिसॉल का यूज कर दिए। अब इसको जो है बच्चे हमको कंट्रोल करना है, ठीक है, कलेक्ट करना है। तो हमारे कलेक्टर के तौर पर, इसके तौर पे बेटा, कलेक्टर के तौर पे, संग्राहक के तौर पे, संग्राहक के तौर पे हम लोग जो है पोटेशियम इथाइल जिंथेट का यूज करेंगे। क्या करेंगे बेटा? पोटेशियम इथाइल जिंथेट, ठीक है। इसको मैं लिख दे रहा हूं नीचे में, ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम इथाइल, इथाइल जिंथेट, पोटेशियम इथाइल जिंथेट, स्पेलिंग सही से लिखने प्यारे बच्चे, ठीक है। पोटेशियम इथाइल जिंथेट का यूज करेंगे। अब सर ये पोटेशियम इथाइल जिंथेट आखिर करता क्या है, ठीक है, इसका यूज तो कर रहे हैं, लेकिन ये पोटेशियम इथाइल जिंथेट है बच्चा, ये आखिर कर क्या रहा है? इसके पीछे का रीजन ध्यान सुनना बच्चे, जो पोटेशियम इथाइल जिंथेट जो है क्या करता है, ठीक है, सल्फर क्या होगा बेटा, सल्फर जो है पानी में नहीं डूबेगा, पानी में गीला नहीं होगा। किसके साथ गीला होगा? ऑयल के साथ गीला होगा, ठीक है, ऑयल के साथ गीला होगा। जब ऑयल के साथ गीला होगा तो क्या वो पानी के साथ नहीं भीगना चाहेगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो उसी को जो बच्चे जो पानी में ना भीगे, इसकी जो है इनहेंस करता है, पानी में ना भीगे वही जो प्रॉपर्टी बेटा उसको क्या करता है, ये इनहेंस करता है, मतलब क्या करता है, ये बढ़ाता है, इनहेंस, क्या बोल दूं बेटा, इनहेंस द नॉन वेटिबिलिटी प्रॉपर्टी। क्या बच्चा? इनहेंस द नॉन वेटिबिलिटी, नॉन वेटिबिलिटी का मतलब होता है नॉन वेटिबिलिटी, ठीक है, इनहेंस द नॉन वेटिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टी ऑफ, इनहेंस द नॉन वेटिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ क्या बेटा, सल्फर। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया सारे बच्चों को? मतलब भाई हमारा जो सल्फर है, ठीक है, हमारा सल्फर है, सल्फर पानी के साथ नहीं भीगेगा। इसको नहीं भीगने के लिए एक जो है कौन जिम्मेदार है? पोटेशियम इथाइल जिंथेट। पोटेशियम इथाइल जिंथेट जो है वो सल्फर को पानी में भीगने ही नहीं देगा, मतलब उसकी जो नॉन वेटिबिलिटी है, पानी में ना भीगने की शक्ति को वो क्या करता है, बढ़ा देता है, इनहेंस करता है। समझ में आया सारे बच्चों को? समझ में आया सारे बच्चों? तो ये पॉइंट आप लोग बच्चे अपने कॉपी के अंदर गजब तरीके से लिख दीजिए, पूरा छाप दीजिए बच्चे, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, फटाफट इसको लिखो। अब इसके ऊपर जो बच्चे हम लोग चौथा मेथड पढ़ते हैं, सॉरी चौथा जो है पॉइंट होता है, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, फिलहाल ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो अपन क्या डालेंगे, अपन जब पानी डाले तो उस पानी के साथ साथ बेटा अपन डालेंगे एनिलिन। क्या डालेंगे? एनिलिन। और एनिलिन क्या करता है? एनिलिन हमको झाग को स्टेबलाइज करने में क्या करता है, हेल्प करता है, झाग बनते रहने में क्या करता है बच्चा, हेल्प करता है, ठीक है। अब हेल्प करेगा तो इसके साथ साथ बेटा अपन क्या डालेंगे, पोटेशियम इथाइल जिंथेट, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम इथाइल, इथाइल जिंथेट, पोटेशियम इथाइल जिंथेट, अपन ये यूज कर रहे हैं, पोटेशियम इथाइल जिंथेट, वाटर प्लस एनिलिन प्लस पोटेशियम इथाइल जिंथेट। अब देखो वाटर क्या क्या करेगा, वाटर क्या करेगा बच्चा, ठीक है, अब पानी जो है, ठीक है, पानी क्या करने वाला बेटा, जब यहां अपन ओर डालेंगे इस तरीके से, क्या डालेंगे, ओर डालेंगे, ओर कहने का मतलब हम जो अयस्क डालेंगे। अब अयस्क के अंदर क्या होता है, अयस्क के अंदर हमारी क्या होती है बेटा, अशुद्धियां होती है। सबसे पहली चीज बात करूं तो अशुद्धियां होती है हमारे जो है एक मेटल होता है, सबसे पहली अशुद्धि प्लस क्या होता है, धातु हमको मिक्स फॉर्मेट में मिलता है और पाउडर फॉर्म में, तो हम जो है पाउडर फॉर्म में अपन तो इसको डालते आ रहे, हमको पता है, ठीक है, अपन ने जो है ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन और जो है मैग्नेटिक सेपरेशन के अंदर अच्छे से पढ़ा हुआ है कि ये जो ओर है उसको हम लोग पाउडर फॉर्म के में क्या कर रहे हैं, पाउडर फॉर्म में ही डाल रहे हैं। समझ में आया सारे बच्चों को? ये सारी चीज अपन पढ़ चुके हैं। अब बच्चे क्या करेगा, आखिर ये फ्रोथ बनेगा कैसे, ठीक है, इसके लिए बच्चे अपन क्या करते हैं, यहां पे क्या करता है, एक जो है ऐसे जो है नलिका लगा देंगे, इस नलिके में से क्या होगा बेटा, ऐसे जो है हम लोग बनाएंगे केसी का नलिका, ठीक है, जहां पे बेटा हवा ऐसे ब्लो होती रहेगी, हवा ऐसे जो है आती रहेगी। मतलब आप लोग कभी बचपन में गए हो ना, मेले में गए हो कभी बेटे, मेले में गए, मेले में गए तो आप वहां पे क्या करते हो, एक ऐसा रहता है ना खिलौना रहता है जहां पे अपन जो है ऐसा फूक मारते हैं तो वहां से बबल्स निकलती है, बबल्स निकलती है, सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। अब अपन यहां से मारेंगे फूक, फूक का मतलब एयर डालेंगे, ठीक है, एकदम किसी में हाई प्रेशर में, हाई प्रेशर में बेटा यहां पे डालेंगे एयर। जब एयर डालेंगे तो वो एयर जो है नीचे आएगी, जब नीचे आएगी बेटा नीचे प्रेशर क्रिएट करेगी और प्रेशर क्रिएट करने के बाद बेटा इस छिद्र में से, इस जो है छेद में से क्या होगी, हवा निकलेगी। जब यहां से हवा निकलेगी तो बेटा नीचे में क्या होने वाला है,
ठीक है। तब जब हवा निकली तो नीचे में आया बच्चे तबाही होने वाली। क्या मतलब तबाही? मतलब यहाँ पे नीचे जो है क्या होने वाला है, ठीक है, यहाँ पे क्या होने, ये सारे जो कंपोनेंट है, सारे जो केमिकल्स बेटा, ये पूरे मिक्स हो जाएंगे। जब हवा निकलेगी तो नीचे बवंडर मचेगा, तो बवंडर मचेगा प्यारे बच्चों, ठीक है, तो बवंडर मचेगा तो ये नीचे में क्या हो गया, जो कंपोनेंट्स है, जो सब्सटेंस है हमारे, H2O एनिलीन प्लस पोटेशियम मिथाइल सिंथेट, ये सारे क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चा, मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। मिक्स होंगे तो क्या होगा बच्चा, अब यहां से जो हमारा ऑयल है बच्चे, मैंने यहाँ पे ऑयल डालना भूल गए तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे डालेंगे पाइन ऑयल, ठीक है, पाइन ऑयल, पाइन ऑयल हमारा जो है झाग बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो पाइन ऑयल डालेंगे, सारी चीजें मिक्स हो जाएगी, ठीक है। अब अपन यहां से डाल के आना सल्फर के ओट्स डाल रहे, किसका बच्चा, सल्फर के ओट्स। मैं आपको जो एग्जांपल लेके बता दे रहा हूँ कि भाई हम जो यहाँ पे पीबीएस डाल रहा हूँ, सपोज करो कि पीबीएस डाल रहा हूँ, ठीक है, पीबीएस डाल रहा हूँ। अब देखो यहां से मैं जब पीबीएस डाला तो यहाँ पे जो पाइन ऑयल जो है वो सल्फर के साथ भीग जाएगा, पानी के साथ नहीं भीगेगा, ठीक है, सल्फर के साथ भीगेगा। तो सल्फर के साथ जब भीगेगा तो पाइन ऑयल बनाता क्या है, झाग बनाता है, ठीक है। तो झाग के साथ जो हमारा सल्फर है, सल्फर जो मेटल है वो क्या हो गया बेटा, ये जिसके साथ जो कंपोनेंट है, ठीक है, जो सब्सटेंस है, वो सारे क्या होंगे, ऊपर आ जाएंगे। झाग के साथ क्या होंगे, ऊपर आ जाएंगे, पानी के साथ नहीं भीगेगा। तो पानी के साथ भीग के कौन जाएगा, हमारी जो अशुद्धि है बेटा, जो अशुद्धि इंप्यूरिटी क्या होगी, पानी के साथ भीगेगी, वेटेबिलिटी प्रॉपर्टी रखता है वो पानी के साथ भीगेगी और नीचे सेटल्ड डाउन हो जाएगी। नीचे क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। तो मैं बोलूं बच्चे आपको, ठीक है, अगर मैं बोलूं आपको तो हमारा जो ये नीचे में जो ऐसा बनेगा, ठीक है, नीचे में हमको जो ऐसा मड दिखेगा तो ये जो पुच्चा क्या होने वाला है, हमारे जो है इंप्यूरिटी होने वाली, ये जो नीचे में होने वाली है हमारी इंप्यूरिटी। और ये जो बच्चे ऊपर में बात करूंगा तो ऊपर में जो फ्रोथ बनेगा, ऊपर में बेटा जो फ्रोथ बनेगा इस तरीके से, ठीक है, जो झाग बनेगा, इस झाग में क्या होगा, हमारा धातु होने वाला है। क्या बच्चा, धातु, कौन सा धातु, सल्फर धातु, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चे अपना जो धातु है जो है सल्फर के धातु, पीबीएस, जेडएनएस, जो भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा जो धातु जो है इस फ्रोथ के साथ बनेगा और उस फ्रोथ को अपन हाथ से या फिर कोई भी यंत्र से ऐसे बाहर करके निकाल सकते हो। समझ में आया सारे बच्चों को? तो इस प्रकार से हम जो क्या करते हैं बेटा, हमारा जो सल्फर का जो ओर्स है वो अलग हो जाता है, जो इंप्यूरिटी जो है वो नीचे सेटल्ड होकर उसको हम अलग कर सकते हैं। समझ में आया सारे बच्चों को? बहुत गजब तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वापस मैं आपको डायग्रामेटिक वे से सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने वाला, बस ध्यान से सुनते रहिए, वापस मैं आपको ये चीजें बताऊंगा। मैं समझ पा रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चों को ये चीजें अच्छे से समझ नहीं आई होगी, क्लियर है? देखो बच्चे, ठीक है, अब देखो ये पूरा प्रोसीजर वापस से मैं समझाता हूँ, ध्यान देखना। हमने एक कंटेनर के अंदर क्या लिया बच्चे, अपन ने जो है एक कंटेनर के अंदर ना जो है वाटर लिया, क्या लिया, पानी लिया। अब पानी में क्या लिया बच्चे, इस कंटेनर के अंदर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या है बेटा, पानी भी है, H2O भी है, ठीक है, यहाँ ऑयल भी है, क्या ऑयल, पाइन ऑयल भी है, पाइन ऑयल भी है, प्लस इसमें क्या है बच्चा, पोटेशियम इथाइल जिंटेड, पोटेशियम इथाइल जिंटेड भी है, ठीक है, प्लस क्या है बच्चे, यहाँ पे जो है पोटेशियम इथाइल जिंटेड के साथ साथ एनिलीन भी है। ये सारी चीजें मैंने बता दिया कि एनिलीन क्या करता है, पोटेशियम इथाइल जिंटेड क्या करता है, सारे बहुत ईजी चीज है, बहुत ईजी चीज है, ठीक है, बहुत ईजी चीज है। अब देखो यहाँ से जब सारी चीजें मिक्स हुई, सारी चीजें मिक्स हुई तो हमारा जो सल्फर है, ठीक है, हमारा जो सल्फर है वो पाइन ऑयल के साथ रिएक्ट करके क्या होगा बेटा, झाग बनाएगा। अब झाग बना के ये सल्फर जो है, सल्फर हल्का होने के कारण, ठीक है, सल्फर हल्का होने के कारण क्या हो जाएगा, झाग में ऊपर चला जाएगा। झाग में बन के जब ऊपर चला जाएगा तो हम उसको इजीली अपने हाथों से निकाल पाएंगे या फिर कोई यंत्र की सहायता से अपन उसको निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो, अब समझ आए सारे बच्चों को? अब देखो कई बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो रहेंगे होंगे कि भाई अपन यहां पे ये सारी चीजें तामझाम किए ही क्यों है, आखिर ये तामझाम किए हैं क्यों? अगर बच्चे मेरे को पाइन ऑयल, हमको झाग बनाने के लिए बेटा पाइन ऑयल की जरूरत पड़ती है, ये तो 100% सी हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां पे फ्रोथ स्टेबलाइजर मतलब एनिलीन यूज ना करूं, ठीक है, फ्रोथ स्टेबलाइजर मतलब एनिलीन यूज ना करूं तो जो झाग बनेगा, ठीक है, अब सपोज करो कि यहां पे झाग बन रहा है, इसके झाग के ऊपर हमारा जो मेटल है इस तरीके से चिपके हुए, झाग के ऊपर ये मेटल जो इस तरीके से चिपके हुए, अगर ये झाग बना और इसी में ही फूट गया तो हमको इसको अलग करने से कोई फायदा है क्या, नहीं, क्या कोई फायदा है क्या, नहीं फायदा है, क्योंकि ये जो इसी में झाग बन रहा है इसी में फिर वापस आके टूट जाएगा, हमको इसमें क्या करेगी, मेहनत लगेगी बहुत ज्यादा, ठीक है, हमको कोई फायदा ही नहीं है। तो हम उसको झाग को बना के रखने के लिए बच्चे अपन डालेंगे एनिलीन। अब पोटेशियम इथाइल जिंटेट की बात करूं तो पोटेशियम इथाइल जिंटेट क्या करेगा बच्चा, ठीक है, जो हमारा सल्फर है उसको जो पानी के साथ भींगने नहीं देगा, सिर्फ क्या करेगा बेटा, फ्लोथ के साथ जो फ्लोथ के साथ झाग के साथ जो ऊपर रहेगा। क्लियर है सारे बच्चों को? समझ में आया अच्छे तरीके से? तो बच्चे अगर जिन बच्चों को ये हेल्पफुल हुआ होगा तो बच्चे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो है क्या कीजिएगा, जो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कैसे लगा, कैसे लगे ये क्लासेस, ठीक है। इसके आगे अभी बाकी है भाई, अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है, शांत रहो थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो ये सारी चीजें यहाँ पे खत्म हुई, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भाई यहाँ पे हम जो है पीबीएस डालूंगा, मेरे ओर के साथ क्या है पीबीएस भी है और जेडएनएस भी होगा, ठीक है, जेडएनएस होगा मेरे ओर के साथ जो है पीबीएस भी होगा और जेडएनएस भी होगा, क्या मैं ये दोनों चीजें यहाँ पे जब डालूंगा, ठीक है, दोनों चीजें एक साथ डाल दूंगा तो क्या मुझे जो है जो पीबीएस का भी शुद्ध तरीके में मेरे को जो है क्या होगा, शुद्ध तरीके से मेरे को मेटल मिलेगा या फिर जिंक का मिलेगा? तो बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, ठीक है, कि एक प्रोसेसर के अंदर ये जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि भाई हमको जो है जब मैं ये दोनों जो है कंपाउंड्स को डाल दूं एक साथ,
ठीक है। तो इससे जो मेरे को क्या मिलेगा, पीबीएस का मेरे को शुद्धिकरण के बाद मिलेगा या फिर जो जेडएनएस मिलेगा, तो इसके पीछे का रीजन है बेटा, इसको जो है हम लोग स्टेबल करने के लिए, शांत रखने के लिए, ठीक है, क्या यूज करते हैं, स्टेबलाइजर का यूज कर रहे होते हैं। किसका बच्चा, स्टेबलाइजर का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, देखो अपन फटाफट यहाँ से कोई जो है पेजेस ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है अपने पेजेस लेना पड़ेगा बाबा, क्या करेंगे, पेजेस लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अपन यहां पे डाल देंगे, क्या करेंगे हम जो है जब हमारी अब जब रिएक्शंस के अंदर जो है पीबीएस भी होगा और जेडएनएस भी होगा, ठीक है, रिएक्शंस के अंदर क्या होंगे, अगर पीबीएस भी है, पीबीएस है, पीबीएस, ठीक है, प्लस क्या होगा, जेडएनएस भी होगा। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए रहेगा, मेरे को पीबीएस चाहिए, ठीक है, मेरे को पीबीएस चाहिए, मेरे को पीबीएस ही चाहिए, ठीक है, मेरे को लेट सल्वाइडी चाहिए भैया, पीबीएस ही चाहिए मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी जो जेडएनएस की प्रॉपर्टी है इसको मैं क्या कर दूंगा, रिड्यूस कर दूंगा, इसकी जो गुण होंगे, इसकी जो जो भी चीजें होगी इसको मैं क्या करूंगा, कम कर दूंगा, डिप्रेस कर दूंगा। ठीक है, और नमन कर दूंगा, इसका हिंदी में बोलेंगे और नमन कर दूंगा। ठीक है, डिप्रेस कर दूंगा, मतलब सिंपल सी बात है बच्चे, अपन यहां पे यूज किसका करने वाले हैं, यूज ऐसे जो है केमिकल सब्सटेंस का यूज करने वाले हैं जो क्या करेगा, एक की जो प्रॉपर्टी रहेगी उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, तो अपन यहां पे इसके तौर पर डिप्रेसेंट का यूज करेंगे, किसका बच्चा, डिप्रेसेंट, और नमकों का यूज करेंगे, किसका, डिप्रेसेंट का। ठीक है, तो बच्चे को कई बार यहां पे समझ नहीं आता डिप्रेसेंट क्या होता है। ठीक है, डिप्रेसेंट का यूज करेंगे। ठीक है, डिप्रेसेंट का यूज करेंगे, तो बच्चे यहाँ पे जो है मेरे को एक गाना याद आता है, ठीक है, किसका है ये तुमको, ये क्या बोलेगा बच्चा, किसका है ये तुमको, इंतजार में होना, ठीक है, देख लो इधर तो डिप्रेस नहीं होना। ठीक है, तो बच्चे अपन यहाँ पे क्या करेंगे, डिप्रेसेंट का यूज करेंगे, समझ आया सारा बच्चों को, समझ आया। ठीक है, तो कोई भी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा कि डिप्रेसेंट अपन क्या करेगा, जब हमारे मेटल्स के अंदर, हमारे ओर्स के अंदर दोनों जो है, दो मेटल्स होते हैं हमारे जो है, दो जो सब्सटेंस होते हैं, पीबीएस भी होगा, जेडएनएस भी होगा, तो इस कंडीशन को हमको जो है सॉल्व करने के लिए डिप्रेसेंट का यूज करेंगे, और डिप्रेसेंट के तौर पर बच्चे अपन जो है सोडियम साइनाइट का यूज करते हैं। किसका बच्चा, सोडियम साइनाइट का यूज करते हैं। तो सोडियम साइनाइट क्या करता है, सोडियम साइनाइट जो है, ठीक है, सोडियम साइनाइट जो है इस पीबीएस की जो है प्रॉपर्टी होती, जो पीबीएस की जो प्रॉपर्टी होती उसके साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि अपन को चाहिए रहता है पीबीएस। ठीक है, अपन को जब चाहिए पीबीएस तो पीबीए के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब नो रिएक्शन होगा। ठीक है, क्या करेगा बच्चा, नो रिएक्शन होगा। ठीक है, जब मेरे को जगह जेडएनएस चाहिए, जेडएनएस मेरे को इस प्रोसेस के अंदर नहीं चाहिए, तो उसको हटाना है मेरे को। ठीक है, ये क्या करेगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो झाग के साथ ऊपर चला गया, ऊपर चला जाएगा, तो ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है, नॉन वेटिबिलिटी प्रॉपर्टी है। क्या बच्चा, नॉन वेटिबिलिटी प्रॉपर्टी, मतलब जो है पानी के साथ नहीं भीग रहा, तो हम इसको क्या कर देंगे, पानी के साथ भीगने वाला कोई भी एक सब्सटेंस बना देंगे, जिससे क्या करेगा, पानी के साथ भीगेगा और नीचे में बैठ जाएगा, तली में, ठीक है, तली में बैठेगा, गंगू बन जाएगा, और क्या करेगा भैया, ये क्या करेगा, इसको हम लोग आसानी से सेपरेट कर पाएंगे। समझ में आया सारे बच्चों को, तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, हम सोडियम साइनाइट का यूज करूंगा, और सोडियम साइनाइट का यूज करने के बाद मेरे को मिलेगा बेटा जेडएनएस, ठीक है, सॉरी जेडएनएस नहीं भाई, जेडएन साइनाइट, ठीक है, जिंक साइनाइट 4 इस तरीके से, और मेरे को सोडियम जो है इस प्रकार से अलग मिलेगा, जिससे सोडियम प्लस चार्ज बेटा प्लस होता है, ये माइनस चार्ज है, ये क्या करो, माइनस जो चार्ज रहेगा वो नीचे सेटल्ड हो जाएगा। समझ में आया, और ये बेटा होता है हमारी वेटिबिलिटी प्रॉपर्टी का, और ये जो होता है पानी में भींगने की प्रॉपर्टी रखता है। तो बच्चे ये हमारा जो है वेटिबिलिटी प्रॉपर्टी फॉलो करता है। सारे बच्चे समझ में आया सारे बच्चों को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम फटाफट बच्चे आप लोग रिवाइज कीजिएगा इसको, जो है लेक्चर को वापस से देखिएगा, जिससे चीजें आपको जो है बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है सर बच्चे, ठीक है, अब आने वाले लेक्चर के अंदर बेटा हम लोग जो है पूरा प्रक्षालन पढ़ने वाली है, सारे प्रोसीजर बेटे, अगर आपको जो है कोई चीज दिक्कत आ रही हुई तो आप लोग इसको नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, यही पूरा प्रोसीजर जो मैंने बताया है यही यहाँ पे लिख दिया हूं मैंने, ठीक है, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो, देखो, ठीक है, ये दूसरा स्लाइड, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे पूरा सारे, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो भैया यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारी जो प्रोसीजर मैंने बताया है वही प्रोसीजर है, यहाँ पे कुछ और चीजें नहीं आई है, ठीक है, देखो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बच्चे अपन जो प्रक्षालन के ऊपर आएंगे, हमारा जो लास्ट, ठीक है, हमारा जो लास्ट मेथड है बेटा, ठीक है, ये प्रक्षालन है, प्रक्षालन के अंदर बच्चे अपन लोग किसका यूज करते हैं, प्रक्षालन क्या इसका यूज करते हैं, जहां पे बेटा A3, ठीक है, आप लोग याद रखना A3 या फिर 3A जैसा है, ठीक है, जैसे भी समझना है वो कर सकते हो, A3 3A, मतलब 3A का मतलब क्या होगा बच्चे, ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो है एल्यूमिनियम के लिए या फिर जो है AU के लिए, ठीक है, या फिर बच्चे AG के लिए यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम AU या फिर AG के लिए यूज किया जाता है, ध्यान सुनते रहना, एल्यूमिनियम AG, ठीक है, AU और AG, ठीक है। मैं यहां पे बच्चे आप लोग को जो है यहां पे, हाँ एक बात याद रखना, यहां पे जो हम सॉल्वेंट के तौर पे, ठीक है, सॉल्वेंट के तौर पे बेटा किसका यूज करते हैं, सोडियम साइनाइट का जो है अपन लोग जो है एक्वा सॉल्यूशन का यूज करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन का अपन यहां पे यूज कर रहे होते हैं,
समझ में आया सारे बच्चों को, सोडियम साइनाइड का अपन जो है यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको जो क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको बेटा आपको जो है एजी या फिर एयू का मैं एक आपको करा के दिखा देता हूँ, उसके बाद बच्चे आप लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल भी किसी तरीके का नहीं होगी, ठीक है। समझ में आया सारे बच्चों को? हाँ बच्चे, जैसे कि मैंने बोला हुआ कि भैया यहाँ पे हम जो है एल्यूमिनियम जो है एयू और एजी के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले, सिर्फ और सिर्फ 3A के बारे में पढ़ने वाले। किसके बच्चे? 3A के बारे में पढ़ने या फिर A3 AQ जैसा भी बोलना है बच्चे, आपको समझ में आना चाहिए। बस 3A के बारे में बात करेंगे, एल्यूमिनियम गोल्ड और सिल्वर के बारे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको जो है सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम और जो है सॉरी एल्यूमिनियम नहीं गोल्ड और जो सिल्वर के बारे में जो यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्यों बताने वाला हूँ बच्चे? इसके पीछे का रीजन ये है कि हम जब बेयर्स प्रोसेस पढ़ेंगे जब एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन पढ़ाऊंगा, तो वहां पे मेरे को वापस से जो है एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन बताना पड़ेगा। उसमें क्या होता है, बेयर्स प्रोसेस आता है बेटा। जो एल्यूमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन होता है, जो निष्कर्षण होता है, वो बेयर्स प्रोसेस से होता है, ठीक है। तो वहां पे मेरे को ये चीजें वापस से रिपीट करनी होगी, तो इससे अच्छा बच्चे वहां पे ही सारी चीज अपन समझ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अपन सिर्फ यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात करेंगे, एयू और एजी के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे बच्चे अपने सोडियम साइनाइड जो होता है वो एक्वा सॉल्यूशन का यूज करते हैं, समझ में आया सारे बच्चों को? चलिए देखते हैं फटाफट रिएक्शन अपन जो क्या है रिएक्शन इसका, ठीक है। देखो भाई, अगर हमारे पास जो है एजी है, ठीक है, अब एजी के साथ साथ क्या होने वाली, इंप्यूरिटी होने वाली है। सारे बच्चों को क्लियर है? एजी के साथ क्या होगी, इंप्यूरिटी गंदगी साथ में रहेगी, क्योंकि हमको एजी चाहिए, हमको सिल्वर ही चाहिए, सिल्वर एकदम प्योर फॉर्मेट में चाहिए, तो हमको इसके साथ इंप्यूरिटी होगी, तभी तो उसको प्योर करेंगे, समझ में है? अगर इंप्यूरिटी ही नहीं हो तो उसको प्योर क्या करेंगे अपन, समझ में आया? तो इंप्यूरिटी क्या होगी बच्चा, एजी के साथ कोई भी इंप्यूरिटी हो सकती है, ठीक है। अब उस इंप्यूरिटी को अपन को हटाना है, तो उसको हटाने के लिए क्या डालेंगे बेटा, हम सोडियम साइनाइड के जो है एक्वा सॉल्यूशन में उसको डिप कर देंगे, डाल देंगे, ठीक है। जब डालेंगे तो क्या होगा बेटा, हमको एक माइनस चार्ज और प्लस चार्ज मिलेगा, और प्लस चार्ज अपन को पता है हमारा सोडियम क्या हो बच्चा, प्लस चार्ज देगा, सोडियम अलग हो जाएगा। अब देखो सोडियम साइनाइड से सोडियम जो है अलग हो गया, ठीक है, ये अलग हुआ सोडियम, और साइनाइड क्या करेगा बेटा, एजी इसके साथ जो है क्या होगा, एक जो है मिक्सचर बनाएगा, कंपाउंड बनेगा, जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे सिल्वर साइनाइड बोलेंगे बच्चा, क्या होगा, सिल्वर साइनाइड, ठीक है। इस प्रकार से बच्चे हमारा जो है क्या होगा, इस प्रकार से जो पूरा का पूरा हमको जो है AgCN हमको इस ट्वाइस के फॉर्म पे मिलेगा, क्लियर सारे बच्चों को? अब इसको पूरा का पूरा बच्चे हमको एजी चाहिए, हमको तो क्या चाहिए, एजी प्योर फॉर्मूला चाहिए ना, तो हमको एजी को अलग करना है, मतलब एजी को डिस्प्लेस करना है, तो उसके डिस्प्लेस करने के लिए, ठीक है, डिस्प्लेस करने के लिए क्या करेंगे अपन, जिंक का यूज करेंगे, क्योंकि जिंक रिएक्टिविटी बच्चे क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो अपन जिंक का यूज करेंगे, और जिंक क्या करेगा बेटा, एजी को रिप्लेस कर देगा, और एजी हमको जो है एक प्योर फॉर्मेट में मिल जाएगा, मतलब पीपीटी के फॉर्मेट में मिल जाएगा। जब ये जो एरो बेटा कभी भी डाउनवर्ड लिखा हो, ठीक है, डाउनवर्ड लिखो मतलब नीचे की ओर लगाओ, तो मतलब उसका मतलब है कि वो पीपीटी के फॉर्मेट में है। पीपीटी मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बोलना है यहाँ पे, क्या बोलना है, पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन, और छेप क्या होगा बच्चा, और छेप के फॉर्मेट में मिलेगा, समझ में आया सारे बच्चों को? तो यहाँ पे एजी आएगी, उसके बाद बच्चा क्या करेंगे, यहाँ पे Zn+CN4, ठीक है, Zn+CN4 क्या मिलेगा अपन को, इस प्रकार से Na+ अलग हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया सारे बच्चों को? तो अगर मैं यहाँ पे जो है किसी भी बच्चों को कोई भी दिक्कत होगी, तो वो बच्चा क्या करेगा, AU को बना के देखो, AU में सेम सारे प्रोसेस सेम होने वाले बच्चे, आप लोग पूरा नकल कर सकते हो ऊपर से, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे इंप्यूरिटी होगी, इंप्यूरिटी को मैं क्या करूंगा, सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्ट कराऊंगा इस तरीके से। जब रिएक्शन कराऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, तो मेरे को क्या मिलेगा बच्चा, यहाँ पे देखो ध्यान से, AU मिलेगा, ठीक है, AU मिलेगा, और साइनाइड मेरे को इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, जो कि माइनस चार्ज, और सोडियम जो है प्लस चार्ज करेगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या करूंगा, जिंक से रिएक्ट कराऊंगा, जिंक से रिएक्ट कराऊंगा तो क्या होगा, मेरे को जो गोल्ड है AU जो है मेरे को प्रेसिपिटेट फॉर्म पे नीचे डाउनवर्ड मिल जाएगा, ठीक है, ये मेरे को मिलेगा, और फिर वापस से क्या मिलेगा बच्चा, मेरे को जो है जिंक जो है AU को रिप्लेस करने के बाद उसका जगह ले लेगा, और क्या होगा, CN4 इस तरीके से मिलेगा, और सोडियम प्लस चार्ज इस तरीके से मेरे को मिलेगा, ठीक है, क्लियर सारे बच्चों? तो इस प्रकार से मेरे को जो है यहाँ पे देखो AU मेरे को जो है प्योर फॉर्मेट में मिल गया, और यहाँ पे AG मेरे को प्योर फॉर्मेट में मिल गया, ठीक है। अब यहाँ AG और AU वाला फंडा बिल्कुल बच्चे यहाँ पे क्लियर हो गई। अब एल्यूमिनियम की बात आती है, तो एल्यूमिनियम हम लोग जो है बेयर्स प्रोसेस के अंदर पढ़ने वाले हैं। जब मैं आपको जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बताऊंगा, तो वहां पे ये चीजें मैं क्लियर करूंगा बच्चे, ठीक है, समझ में आया सारे बच्चों को? तो इस प्रकार से बच्चे हम लोग पूरा का पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर था वो पूरा खत्म कर चुके हैं। आने वाले लेक्चर के अंदर बच्चे हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाला है, कि आखिर एल्यूमिनियम जो है किसी भी माइन से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, उसको कैसे प्यूरीफाई किया जाता है, कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिससे वो प्यूरीफाई होकर हम हमारे यूजफुल जो है चीजों में एप्लीकेबल होता है, ठीक है, जिस प्रकार से हम यहाँ पे पूरा प्रोसेस जो है समझने वाले हैं। सारे बच्चों को क्लियर है? तो बच्चे अगर जिन बच्चों को भी ये वीडियो जो है एकदम हेल्पफुल हुई होगी, जिनके लिए जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा, तो वो बच्चे क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, और आपको बच्चे आप लोग सिर्फ थम्स अप दिखा दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि ये बच्चे आपके लिए क्या हो गई है, हेल्पफुल हो गई है, ठीक है। अगर जिन बच्चों को कोई भी दिक्कत होगी ये पूरा लेक्चर के अंदर, कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही होगी, तो वो बच्चे क्या करेंगे, ठीक है, वो बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगी, कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगी बच्चे, तो आप लोग वहां पे निश्चिंत होकर पूछ सकते हो। अगर जो इन बच्चों को ये
अगर ये बच्चा किसी के लिए क्या होगा, नए होंगे इस चैनल के अंदर, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा बच्चे, जिससे हमको जो है थोड़ा मोटिवेशन मिल पाए, अच्छे से हम जो है अपने आपके लिए जो कंटेंट डिलीवर कर पाए। ठीक है बच्चे, तो जाइए बच्चे, आप लोग जो अपनी पढ़ाई करते लीजिए अच्छे से। ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद।